रुकिए मैडम, अरे मैडम आपका मास्क कहाँ है? आप पहले मास्क लगा के आइए, बिना मास्क के इस कॉलेज में एंट्री नहीं है। अरे क्या यार, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने मास्क का? देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे जाने दो। अरे मैडम समझो मेरी बात को, मैं आपको बिना मास्क के है ना अंदर नहीं जाने दूंगा, पहले आप मास्क लगाइए। और आपको पता नहीं है इस कॉलेज के रूल रेगुलेशन क्या है? तू कहीं का कलेक्टर है क्या? तू मुझे बताएगा यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन? सुन, दो मिनट नहीं लगेंगे मुझे भीड़ इकट्ठी करने में, समझा? चल अपना काम कर। मैडम मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, और वैसे भी मास्क लगाने में ना आप ही की भलाई है, ये हमारी ड्यूटी है, प्लीज हमें करने दें। तू ऐसे नहीं मानने वाला ना, रुक, नहीं लगाती मास्क, बता क्या करेगा? मैडम आप बदतमीजी कर रही हैं, पहले आप गलेमान से हाथ हटाइए, वरना मुझे है ना मजबूरन पुलिस को फोन करना पड़ेगा। अच्छा तो तू अब मेरी पुलिस से बात करवाएगा? तू क्या मेरी बात करवाएगा? रुक मैं तेरी बात करवाती हूँ। हेलो भैया, ये कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड वाला मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। अच्छा इसकी इतनी हिम्मत, करवा मेरी बात इससे। ले कर बात। हेलो मैं प्रिंसिपल संजीव बात कर रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से बदतमीजी से बात करने की? सॉरी सर, मैंने ना कोई बदतमीजी से बात नहीं की है, मैंने सिर्फ ना मास्क लगाने के लिए बोला है, क्योंकि सर बीमारी बहुत बढ़ रही है ना इसलिए। और सर वैसे भी मुझसे कहा गया था कि बिना मास्क के ना किसी को एंट्री देनी नहीं है। अच्छा अब तुझे मास्क चाहिए? ज्यादा बड़ा अधिकारी बनने की कोशिश ना कर, अपनी औकात में रह, समझा? वरना निकाल दूंगा तुझे नौकरी से। ओके सर। जाने दो उसको। बस निकल गई तेरी सारी ड्यूटी, अब लगवा ले मुझसे मास्क, डफर। नमस्ते सर। ठीक है ठीक है, पहले तुम ये बताओ क्या बकवास कर रहे थे तुम मेरे सिस्टर से? सर मैंने कोई गलत बात नहीं की उनसे, मैंने सिर्फ है ना उनको मास्क लगाने के लिए बोला था, जो इस कॉलेज का रूल रेगुलेशन है उसका पालन करना और करवाना हमारा कर्तव्य है सर। तुम कहीं के चीफ हो क्या? तुम्हें पता है ना मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, जो मैं कहूँगा इस कॉलेज में वैसा ही होगा, समझ में आई? मेरी एक बात और कान खोल कर सुन लो, वो मेरी सिस्टर है, वो मास्क लगाए या ना लगाए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उससे, और ये रूल और रेगुलेशन है ना सबके लिए होंगे, हमारे लिए नहीं है। सॉरी सर, आज के बाद है ना ये गलती कभी दोबारा नहीं होगी मुझसे। हाँ ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, अगली बार से अगर तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट आई ना तो मैं तुम्हें नौकरी से बाहर कर दूंगा, ठीक है? अरे रोको 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 रोको, अरे मैडम जी मास्क नहीं लगाया आपने, बिना मास्क के 2000 रुपए का चालान है, पता है आपको? चालान कटेगा आपका, लाओ 2000 रुपए निकालो आप। क्या 2000 का चालान? सर मैंने पूरी रूट पे मास्क लगा रखा था, मैंने जस्ट अभी अभी मास्क उतारा है क्योंकि मेरा कॉलेज सामने आ चुका है, वरना मैं बिना मास्क के घर से निकलती नहीं कभी। अरे मैडम जी तुमने पागल समझ रखा है क्या हमें? हम पुलिस वाले हैं, ये डेली का काम है हमारा, और वैसे भी तुम कॉलेज में बिना मास्क के जाते हो क्या? बहसबाजी मत करो, जल्दी से 2000 का चालान कटवाओ। अरे सर आप मेरा चालान क्यों काट रहे हो, मैं आपकी फोन पे बात करवा देती हूँ, आप एक बार मेरे बड़े भाई से बात कर लो। अरे मैडम जी हम है ना फोन पे बात बात ना करते हैं, अपने फोन को जेब में रखो, चालान करवाते हो तो करवाओ, अन्य गाड़ी सीज करते हैं तुम्हारी अभी। शिट यार। लो पकड़ो 2000 रुपए। चलो ठीक है, और आगे से ध्यान रखना मैडम, मास्क लगा के रखना, ठीक है? अबे ओ 2% की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले, आज तेरी वजह से मेरा चालान कटा है, मिल गई तेरे दिल को तसल्ली? अरे मैडम ये कैसी बात कर रही हो, मेरी वजह से कहाँ कटा है आपका चालान? मैंने तो आपसे पहले ही बोला था मास्क लगा के रखो। हाँ जब भी तूने वो पुलिस वाले खड़े कर रखे हैं, और वैसे भी तू कल पुलिस वालों को कॉल कर रहा था ना, और आज तूने मेरा चालान ही कटवा दिया। मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, प्लीज मेरे पे झूठा आरोप मत लगाओ। अबे ओ 2% की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले, तू मुझे झूठा बता रहा है? रुक अभी भाई को कॉल करके तुझे जॉब से निकलवाती हूँ। नहीं नहीं मैडम प्लीज आप मालिक के पास फोन मत करो, अगर मालिक को पता पड़ गई ना तो मालिक मुझे काम पैसे निकाल देंगे। मैडम इस बार मुझे माफ कर दो, आगे से गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। अब क्यों मांग रहा है माफी, और बहस कर ले मुझसे? बेटा तूने गलती तो बहुत बड़ी की है, और इस गलती की सजा तो मैं तुझे दे के रहूंगी। चले काम कर, अपने कान पकड़ और मुझसे सॉरी मांग। मैडम मैं आपसे कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। और सुन, अगर तूने आज के बाद मुझसे या मेरे किसी फ्रेंड से बदतमीजी से बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। ठीक है मैडम, मैं आज के बाद है ना आपसे और आपके किसी भी फ्रेंड से बदतमीजी से बात कभी नहीं करूंगा। अच्छा तो ये बात है, अब देखो मैं तुम्हारे नाम का कैसे मिसयूज करता हूँ।
रुको, मास्क क्यों नहीं पहना तुमने? अरे भाई मास्क वास्क ना लगाते हम, बिना मास्क के है ना एंट्री नहीं है, तुम्हें पता है ना? अरे अमृता को तो जानते ही हो तुम, उसके ना चाचा का लड़का हूँ मैं, समझ गए? हाँ दीपक, पता क्यों बुला दो ना मुझे? अरे मनीष, इस कॉलेज मेरा सेंटर पड़ा है और मैं कार्ड लाना भूल गया, और बिना कार्ड के सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने नहीं देगा। बस इतनी सी बात है, एंट्री तो करवानी है, दिक्कत क्यों ले रहा है तू? एक काम कर, प्रिंसिपल या अमृता का अपने आप को रिश्तेदार बता दे, फिर देख तेरी एंट्री कैसी होगी। और हाँ, ये मास्क वन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इस कॉलेज का कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जाएगा, और ये बात पूरे कॉलेज में फैला दो, जा तू अपनी एंट्री करा। अच्छा अभी जाता हूँ। हेलो, क्या मेरी बात संजीव से हो रही है? हाँ जी संजीव बात कर रहा हूँ, बताइए। सर ये आपके कॉलेज में कोई रूल फॉलो नहीं किया जा रहा क्या? हमारे पास आपके कॉलेज की काफ़ी सारी कंप्लेन आई हुई हैं कि बच्चे मार्क्स नहीं पहनते। वैसे भी कॉलेज स्कूल खोलने में इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, आपको पता नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा इस कॉलेज में कुछ भी नहीं है। बट सर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मेरे कॉलेज में रूल और रेगुलेशन का पालन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, मैं अपने गार्ड को बुलवा कर इंक्वायरी करवा लेता हूँ। सर इंक्वायरी करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ऊपर से आदेश आ चुका है कि आपके कॉलेज को सील कर दिया जाए, ठीक है? क्या सर, मेरी बात तो सुनो सर। हेलो हेलो, अब यार अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई मेरे सर पे? सर आपने मुझे क्यों बुलाया था? और सर वो कॉलेज के गेट पे सील लगी हुई है, क्या दिक्कत आ गई वहाँ पे? कल से तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से है ना आज कॉलेज पर सील लग चुकी है। अगर तुम बिना मार्क्स के कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं करवाते ना, तो आज इस कॉलेज पर सील नहीं लगती। सर ये आप कैसी बात कर रहे हो? सर याद करो वो दिन जिस दिन आपने प्रिंसिपल होने का गलत फायदा उठाकर अपनी बहन को कॉलेज में बिना मास्क के अंदर जाने दिया था, और सर आपने और आपकी बहन ने मुझे धमकी दी अगर मैंने आपके किसी भी रिश्तेदार या किसी भी जानने वाले को अंदर जाने से रोका तो आप मुझे काम पे से निकाल देंगे। और सर ये बात है ना पूरे कॉलेज में फैल गई, सारे स्टूडेंट्स आपकी बहन और आपका नाम लेकर है ना नियमों का उल्लंघन करते रहे। सर मैं आपकी बातों से है ना मजबूर था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। सर आप बुरा ना मानो ना, तो मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, आज इस कॉलेज पर जो सील लगी है ना, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ आप हो। अगर आप उस दिन अपनी बहन को डांट कर मास्क लगाने के लिए बोलते ना सर, तो आपको ये दिन आज देखना नहीं पड़ता सर। लेकिन आपने अपनी प्रिंसिपल होने का है ना बहुत गलत फायदा उठाया, और आप ये बोलते हो ये सब मेरी वजह से हुआ है। हाँ सचिन तुम सही कह रहे हो, मैंने अपने प्रिंसिपल होने का गलत फायदा उठाकर अपने हाथों बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। सॉरी यार सचिन, मैंने तुम्हें गलत रूल फॉलो करने के लिए बोला, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज यार हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं सर, ठीक है सर फिर मैं चलता हूँ। सुनो मैं कोशिश करूंगा इस कॉलेज से जल्द सील हटवाने की, और आपको कहीं काम देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कॉलेज को आप जैसे सिक्योरिटी गार्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके थैंक यू सर।